एवरीबाडी वेलकम बैक टू माई चैनल सो हियर आई एम विद द न्यू सीरीज ऑफ एम सी क्यूज ऑन इंडियन इकनॉमिक डेवलपमेंट सो दिस वीडियो इन दिस वीडियो विल बी हैविंग फाइव एम सी क्यूज बट आई नॉट टेल यू द आंसर्स इन दिस वीडियो यू पीपल हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो आप अपने आंसरस को मैंशन करें जितने भी आपके करेक्ट आंसरस हैं यू जस्ट मैंशन यूर मार्क्स And we will discuss the MCQs in the next video. So let's begin with economic planning. We have already covered this chapter. And if you haven't watched the video, then do check our channel and the playlist. There will be the video. You can have a look on that. So the first MCQ is Who gives the final approval to the five year plans of India? First one is National Development Council. Ministry of Finance, Planning Commission that is now Niti Aayog, and President of India. So you have to choose one option out of these four. देखो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्या होता है आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी बन जाती है सब्जेक्टिव थ्योरी में आप कुछ भी लिख देते हो कुछ भी इन द सेंस अब ऐसा तो है नहीं दैट इन द इकोनॉमिक्स will टॉक अबाउट द फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इतना अच्छा कंटेंट नहीं भी डालोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाते हैं सब्जेक्टिव में बट इफ़ यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव दिस विल बी टू द पॉइंट इफ़ यू हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर देन यू विल बी गिवन मार्क्स एंड इफ यू हैवेंट मार्क्ड द करेक्ट आंसर तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे सिंपल है आप अपने मार्क्स मैंशन करें फाइव में से आपने कितना स्कोर किया सेकेंड इज वेन वॉज फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टड नाइनटीन फोटी नाइन नाइनटीन अगर आपने वीडियो देखा होगा देन यू मे रिकॉल द सेम कॉन्सेप्ट 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था सो मोर हिंट आई कॉन्ट टू यू यू जस्ट रिकॉल द फैक्ट्स एंड देन मार्क द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज द वेरी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ मेहलनो बेस्ट मॉडल बॉम्बे प्लान और नॉन ऑफ दीज अगेन यू हैव टू चूज बाई योर सेल्फ वट एज द प्राइम टारगेट वट वॉज द प्राइम टारगेट ऑफ द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया जो हमारे इंडिया की फाइव ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे प्लानिंग कमीशन के बाद तो जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था उसका मेन ऑब्जेक्टिव मेन टारगेट क्या था डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर

सेवेंथ फाइव ईयर प्लान थर्ड फाइव ईयर प्लान सिक्स फाइव ईयर प्लान और द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान देखो आपको डिटेल्ड नॉलेज होगी तो ही आप राइट right आंसर्स को मार्क कर पाओगे एंड इफ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन द आंसर्स लाइक आंसर्स के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए देन आप कमेंट सेक्शन में बताएं नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन कर लेंगे एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर सो आई होप यू विल इन्जॉय दिस सीरीज बहुत कम टाइम लगेगा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी आपकी रीजनिंग ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक द वीडियो इफ़ यू रली फाइंड द सेल्फुल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फोर गेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द कमिंग वीडियोज Thank you so much.